खड़ा है खड़ा है खड़ा है। थैंक यू एवरी वन फॉर 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड एक और बात, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या शुरुआत है भाई वीडियो की, इस शुरुआत के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड ऑल्सो मैंने खुद को बेवकूफ क्यों बोला, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड वो रीजन ये है कि मैं वन ब्लॉग की वीडियोस को बहुत ही कम अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, इवन दो कि मेरे चैनल की दी मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज आज तक की। दैट मेक्स मी अ बेवकूफ राइट। बट गाइस एक्चुअल में इसका रीजन कुछ और है, और वो ये है कि मुझे वन ब्लॉग खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। एंड इसकी वीडियोस बनाते हुए मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आइंदा से मैं अपने चैनल पे वन ब्लॉग की वीडियोस को अपलोड नहीं करूंगा। एंड आज मैं सीरीज का दी एंड करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो I'm just joking guys। ऐसा कैसे हो सकता है कि Spotify बीच में ही वन ब्लॉक की सीरीज को खत्म कर दे? This is impossible। क्या तुम डर गए थे? I'm so sorry यार। और इस बात पे डिसलाइक मत कर देना, बिकॉज दोस्तों के बीच इतना मजाक तो चलता है यार, है ना। वेल एक्चुअली देखा जाए तो डरा हुआ तो मैं हूँ, बिकॉज इस वक्त बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब्ड है चैनल पे, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं सभी के सभी सब्सक्राइब करें, और शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े। बट एक्चुअली गाइस मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या चीजें अचीव करी थी, बट एक चीज जो मुझे डेफिनेटली पता है वो ये है कि इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अभी जस्ट इससे पहले मेरा पंगा हुआ था कुछ फैंटम्स के साथ, बिकॉज आई थिंक लास्ट एपिसोड में मैं सोया नहीं था, तभी वो फैंटम्स वगैरह यहाँ पे स्पॉन हो गए होंगे। एंड चेक दिस आउट गाइस, फैंटम्स ने मुझे क्या दिया? दो फैंटम्स की मेम्ब्रेन। अब अगर असल में देखा जाए तो फिलहाल को तो मुझे इनकी जरूरत है नहीं है ना। तुम लोग ये चीज नोटिस करना कि जब भी तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, बट जिस चीज की जरूरत नहीं होगी वो चीज तुम्हें ऐसे फटाफट चुटकी बजाकर मिल जाएगी। तो ये मैं ऐसा करने वाला हूँ, इन दोनों के दोनों फैंटम मेम्ब्रेन्स को एकदम सही सलामत रख देते ऊपर, बिकॉज इनका काम तो हमें फ्यूचर में ही आने वाला है। ओके एंड यस, याद आ गया गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी सिल टच के पिकैक्स को निकालने के लिए, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। एंड इस पिकैक्स को निकालने के लिए गाइस बहुत सारे जानवरों ने अपना बलिदान भी दिया था, स्पेशली हमारे इस ढेंचू टू के भाई ने इसको बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। सो ही वॉज अ लेजेंड गाइस। ओके तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि लास्ट एपिसोड में मैंने सिल टच वाली पिकैक्स क्यों निकाली थी। तो अभी ऐसा करते हैं भैया, अभी हम लोग अपने सेवंथ फेज में है ना, नेदर फेज में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई फटाफट नेदर फेज यहाँ से खत्म हो जाए, बिकॉज ये बहुत ही मनहूस फेज है। बार बार यहाँ पर गास्ट वगैरह स्पॉन हुए जा रहे हैं, एंड सच बता रहा हूँ मेरा पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड है ना लकड़ी का बना हुआ है, एंड पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे में है, बिकॉज यहाँ पर आग फैलने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। एंड यहाँ पर अभी बास मारू चेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या है, 3 शुगर केन्स है, कोरल है, ये है, फेदर है, पर्पल डाई। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके पर्पल डाई एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज नॉर्मली हम लोगों को पर्पल डाई ऐसे मिलेगी नहीं ना। कि मैं इस पर्पल डाई को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने डॉगी के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक सेकंड, अगर मैं डॉगी पे इस्तेमाल करूंगा मुझे पूरा एक इनका एक कॉलर चेंज हो जाएगा, एंड पर्पल डाई वेस्ट हो जाएगी हमारी। मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ? मेरे पास कोई शीप भी नहीं है, मेरे पास एक ग्रे कलर की शीप है। ओके इसका कलर तो मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। क्या मैं इसको पोलर बेयर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, पोलर बेयर पे तो मैं कर ही नहीं सकता उसका इस्तेमाल। तो जो ये मेरी पर्पल डाई है, ऐसा करता हूँ इसको एकदम सेफ रख देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है फिलहाल को। और मैन जरा भाई अपनी खुदाई स्टार्ट की जाए। इस एपिसोड का मेरा एक और मकसद है, मैंने अपना नेक्स्ट फेज देखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नेक्स्ट फेज देखूँ कौन सा हो सकता है इस नेदर फेज के बाद। ओ नो भाई वो आ गया। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे आग लगा देगा पक्का। मेरे 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 डॉगी, ले इसको मार, मार इसको, शाबा मेरे डॉगू, मार इसको। आई थिंक मेरे डॉग पे हमला ना करे। ओह माय गॉड, मेरे डॉग पे हमला नहीं करियो। शाबाश शाबाश, अबे मेरे पेड़ पे आग लगी है। शाबाश डॉगू, शाबाश डॉगू। थैंक गॉड कि उसने मेरे डॉग के ऊपर यहाँ पे हमला नहीं किया है ना। दिस इज सो परफेक्ट। अब आइंदा से अगर ब्लेज वाले बदसूरत आदमी, देखो मैंने क्या बोला था, मेरे पूरे प्लेटफॉर्म पे आग फैल जाएगी ऐसे करके। अबे बुझ जा, बच गया, मेरी थोड़ी बहुत ही लकड़ी गई यहाँ से। आइंदा से अगर ब्लेज के मॉन्स्टर जहाँ पर स्पॉन होंगे ना, तो अपने डॉगी को खड़ा कर दूंगा मैं। अच्छा मेरी नजर पड़ गई, मेरा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जल जा रहा था नहीं तो अभी। माय गॉड, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस, वेरी वेरी केयरफुल। मनुज फेज खत्म हो जा जल्दी से जल्दी प्लीज। ये देखो एक और आ गया। अबे यार प्लीज भाई ऐसा मत करना। ओके एक एक शॉट मारूंगा, मेरा डॉग खा लेगा इसको। शाबाश डॉग, शाबाश डॉग, किल हिम डॉग, किल है, शाबाश मेरा डॉगी। तू बहुत ही बहादुर आदमी है, बहुत ही ज्यादा बहादुर आदमी है तू। आई रियली लाइक यू मैन। आजा मेरा डॉगू, आजा मेरा डॉगू। गाइस अगर मेरे पास डॉग नहीं होते तो मैं क्या करता है, मैं क्या करता, मैं कैसे सर्वाइव करता अपने इस वन ब्लॉक के वर्ल्ड में।
अगर मेरे पास मेरे डॉग नहीं होते तो थैंक यू। आजा मेरे डॉग, तेरे को मैं इस साइड के लिए बैठा देता हूँ, बिकॉज कई बार ब्लेज वाले मॉन्स्टर इस साइड के लिए भी आ जाते हैं, है ना। दोनों के दोनों साइड मेरे डॉग्स होने चाहिए। तुम दोनों के दोनों मेरे लेजेंड्स हो। अब तुम दोनों मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो कि गाइस इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना बनता है यार। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं सोच के आऊंगा कि मैं अपने डॉग्स के लिए क्या स्पेशल करूँ, बिकॉज इन्होंने मेरे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे जलने से बचा दिया। एक और लावा की बकेट। ओ हेलो सर, आप फिर से आ गए, आप फिर से आ गए। पिछले एपिसोड में मैंने तुमको मना किया था ना, बार बार स्पॉन मत होइयो, गन पा रहे बैल जैसा। ये आ गया गंदी चीज फिर से। इसके साथ मैंने नहीं लड़ना है, इसको मेरा डॉग मारेगा। डॉग किल हिम, किल हिम डॉग, किल हिम डॉग, हेल्प मी डॉग, किल हिम डॉग। मेरा डॉग इसको मार नहीं पा रहा बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इले डॉग इसको मार, शाबाश शाबाश, इसको मार, फिर इनको ही मार। ले, मुझे एक एक बार हमले करने पड़ते हैं ताकि मेरे डॉग को मैं बोल सकूं कि तेरे को किसको मारना है। इसको मार, इसको ही मार, इसको 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 सबको मार। ओ यार, एक और स्पॉन हो गया इसकी ऐसी की तैसी। क्यों स्पॉन हो रहा है भाई साहब, चैन नहीं है क्या तेरे को है? A few moments later. Wow guys, क्या नजारा है भाई साहब। ऐसा नजारा कौन इमेजिन कर सकता है। मुंह के सामने उस गुब्बारे के बैठा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, गलती कर दी, सॉरी यार। ओ माय गॉड, ये बंदा यहाँ से ना बाहर निकल सकता है, इसको मारना है, दो शॉट में खत्म हो जाएगा। इसने यहाँ पे आग लगा दिया फालतू में। मैं कितना ज्यादा खुश था गाइस, इतने बड़े गास के सामने मैं बैठा हुआ था, इतनी खुशी हो रही थी मेरे को। एंड इस बेवकूफ ने मेरे पे हमले स्टार्ट कर दिए। एंड एक और बास मारू चेस गाइस, इसके अंदर क्या हो सकता है? कुछ भी खास नहीं है। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, डॉगू आ जा, कमांड डॉगू। मेरा डॉगू कहाँ गया? हद ना करो, एक डॉग तो वहां बैठा हुआ है और एक डॉग कहीं गायब ही हो गया। अबे तू क्या कर रहा है भाई, मारना इसको। ओ माय गॉड, आज ये बंदा आग लगा के रहेगा गाइस, ये बंदा आग लगा के रहेगा। शाबाश डॉगू, खा इसको, खा इसको, खा इसको, शाबाश, मार दिया। पहली बात तो तू ये बता, तू ऊपर बैठ के क्या कर रहा था? तुझे पहले पता ही नहीं चला कि मेरे पर हमले स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे? हद है यार। हाँ जी मेरे शेर, इस बंदे का नाम ना मैंने यहाँ पे शेर रखना है, शेर, ये मेरा शेर है, ओके। एंड अब जाकर ये पर्पल डाई मेरे काम आने वाली है, बिकॉज मैं इस डॉग को अपने दूसरे डॉग से एकदम अलग बनाना चाहता हूँ। तो पर्पल डाई, एंड पर्पल डाई वाला हमारा है शेर, इसका नाम शेर है गाइस। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम शेरू रखता हूँ, है ना, शेरू ज्यादा अच्छा नाम है इसका। कमान शेरू, मार इसको, मार इसको शेरू। फैला दी इसने आग फिर से। अबे शेरू हमले करना रे, ले 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 ले, मेरा शेरू मारेगा इसको आज, मेरा शेरू मारेगा इसको आज। तुम लोग देखो भाई, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। What the hell is this? मेरे शेरू इसके साथ क्या अखियां अखियां लड़ा रहा है, हद है। खा इसको, शाबाश। मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था कि मेरा शेरू इसके साथ आई कांटेक्ट काई के लिए कर रहा है। मनुज फेस खत्म हो जा प्लीज, ये इतना लंबा कैसे चल सकता है गाइस कोई फेस यार। मैं पिछले 3 एपिसोड से लेकर इस फेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फेस है कि खत्म ही नहीं हो रहा, हद है यार। अभी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। चिंता मत करो भाई, यह चरण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें को पटाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है गाइस ये मुझे जान मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है मेरा टैडी, ताकि मैं इसको जल्द से जल्द नीचे टांग दूं। वेल थैंक यू सो मच टैडी, तूने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया इसके लिए, बाकी लटका तो तू यहीं रहेगा भाई। तुझे मैं नीचे नहीं उतारने वाला हूँ। जिस दिन मैं बहुत सारा खुश होऊंगा ना, उस दिन मैं तुझे उतारने वाला हूँ, अब तब तक तू लटका ही रहेगा। अबे यार, उसने भी डरा दिया एकदम से आके। गाइस यार फेस खत्म नहीं हो रहा है यार, एक और बलून निकल गया बाहर। जा यहाँ से प्लीज, जा यहाँ से। वाओ डायमंड, हमें डायमंड मिल सकता है नेदर फेस के अंदर, मुझे जस्ट अभी पता चला इस बारे में। गुड, ओ यस, फाइनली गाइस हमारा ये वाला फेस खत्म हो गया। हाय थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी दुआ सुन ली यार, यहाँ पे कसम से मैं बड़ा परेशान हो गया था। नाउ गाइस आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट फेस। गाइस कोई बहुत ही तगड़ा फेस आया ना अगला भाई, जिसमें मजा ही आ जाए यार। ऑलराइट, हम लोग पहुंच चुके अपने 8th फेस पे। इडिल क्या है भाई? अ ब्रीज ऑफ पीस ब्लोज अक्रॉस द लैंड, अ ब्रीज ऑफ पीस ब्लोज अक्रॉस द लैंड। भाई मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं, एक सेकंड, ये कौन सा ब्लॉक है यार व्हाइट कलर का? मैं देखना चाहूंगा इसको। ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स, एक सेकंड, ये फिर से यहाँ पर ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स क्यों दे रहा है मेरे को? नेदर फेस तो हमारा खत्म नहीं हो गया है क्या? ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है भाई अब। अरे भाई साहब कितने सारे है, है
26 ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। और ये क्या है? चिजल्ड क्वार्ट्स ब्लॉक। भाई सारे के सारे क्वार्ट्स के ब्लॉक आ रहे हैं अब तो। आई एम सो कंफ्यूज्ड। क्वार्ट्स पिलर। भाई हम लोगों को इतनी वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स के ब्लॉक दे रहा है यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम पर सुना क्वार्ट्स पिलर नाम का कोई ब्लॉक भी होता है। ये क्या है? लाइट ब्लू टेराकोटा। इसके अलावा एक स्पंज आया हुआ था। ठीक है भैया, ये फेस कौन सा है मुझे ये बताओ यार। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, वी गॉट अ बी। ओ माय गॉड, आई थिंक हमारा ये वो प्लेन्स वाला फेज आ चुका है ना, बिकॉज प्लेन्स में ही हमारी बीज वगैरह आती है। यार इस बी के लिए तो मैं कहीं घर बना भी नहीं सकता हूँ, इसके लिए तो मेरे को वो चाहिए ना, बी हाइव, राइट। ओके ऐसा करते हैं गाइस, आजा मेरे छोटा बी, तेरे को मैं यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह है ना। इनफैक्ट फ्लावर्स तो यहाँ पर है भी नहीं है यार। बी ऐसा है भाई, तू नीचे वॉइड में ना गिरियो प्लीज यार, ठीक है ना? मरियो मत बस तू कुछ भी करके। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बी के लिए थोड़े बहुत और फ्लावर्स वगैरह निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास होंगे तो। ओके मैन, मेरे को यहाँ पर अभी बहुत सारे फ्लावर्स मिल चुके हैं, जरा मैं सारे के सारे फ्लावर्स अभी नीचे प्लांट कर देने वाला हूँ अपनी छोटी बी के लिए। ओके बी कम ऑन, देखो सनफ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद हो गए मेरे को, पूरा यकीन है ना। देखो भाई आ गई ना मेरे पास, ले थोड़ा सा दिल दे रहे मेरे को। बाकी के फ्लावर्स मैं नीचे लगा देता हूँ जितने भी है ये सारे के सारे, ताकि ये बी ना इस इलाके को छोड़ के ना जाए, सही है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इसमें यहाँ पे बी आ चुकी है, एंड शायद से मेरी पेट भी बन चुकी है, राइट? बिकॉज इसने मुझे दिल तो दे ही दिया है ना। यस ऑसम। ओए ये कैसा ब्लॉक है भाई नीचे है? आई एम सो कंफ्यूज्ड। अच्छा ये मशरूम है, मैं देख रहा भाई साहब ये कौन सा ब्लॉक आ गया। एंड मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को ना सिल्ट टच वाली पिकैक्स का इस्तेमाल कर देना चाहिए था। ऐसा करते हैं, सिल्ट टच वाली पिकैक्स से मैं डायमंड के ब्लॉक को चाहता हूँ अपने पास, ठीक है ना? इसको मैं इधर टांग के रखता हूँ, यहाँ पर मस्त लग रहा है। एंड नाउ गाइस लेट्स कंटिन्यू अगेन। ये वाला फेज मेरे हिसाब से वही फेज है प्लेन्स वाला फेज। भाई 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 ये भी, अबे भाई खत्म कर दे गए मेरे को ऐसे करके, जगह दे जाने की भाई, मेरे जगह ही नहीं दे रहा जाने की। क्यूब अजीब सा गुब्बारा है भाई ये तो यार, तुम लोगों ने देखा इसने मेरे पे कैसे हमला किया अभी। मेरा डॉग भगवान है भाई, गॉड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, क्या मारा है इसने उस बड़े ब्लॉक को, स्लाइम वाले को। ठीक है भाई मेरे पास कुछ स्लाइम के भी आ चुके हैं ना, अब मैं एटलीस्ट अपने लिए कुछ स्टिक पिस्टन वगैरह बना सकता हूँ, राइट? हो भाई जान बच गई यार कसम से, उस स्लाइम बेवकूफ बॉल ने मुझे मार दिया था अभी। और ये बहुत सारे क्वार्ट्स के ब्लॉक आ गए मेरे पास यार, ये तो मतलब की बहुत ही अजीब सी बात है। ये फेस मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज क्वार्ट्स के ब्लॉक दे रहा है साथ में बी भी स्पॉन करके दे रहा है। मीन ये कौन सा फेज है भाई, इतना मिक्स्ड फेज कौन सा हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड गाइस। अगर तो भैया तुम लोगों को पता है तो तुम लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इस फेज का सीन क्या है। तो भैया जी ऐसा है, फिलहाल को इस ब्लॉक को खोदने से मेरा अब काम हो चुका है, अब मैं नहीं खोदने वाला इस ब्लॉक को, ठीक है ना? इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फेज ऑफ द वीडियो। ओके तो जो ये बंदा ना गाइस, मैंने इससे पहले ध्यान दिया इस बंदे के ऊपर, ये बंदा हम लोगों को एक बहुत ही ऑसम ट्रेड दे रहा है, ठीक है ना? तुम लोग इसकी ट्रेड्स देखो, तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से ट्रेड सबसे ऑसम है इसमें। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया ये मुझे रेड सैंड दे रहा है जिसकी मुझे कमी थी। याद होगा तुम लोगों को, जब हम लोगों ने ये रेड पिरामिड बनाया था तो अंदर फ्लोर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रेड सैंड नहीं थी, एंड ये बंदा मेरे को लिटरली एक एमरल्ड में चार रेड सैंड दे रहा है ना, सबसे ऑसम वॉन्डरिंग ट्रेडर ये वाला। तो भैया ऐसा है, 19 एमरल्ड है मेरे पास, एंड इन भाई साहब से मैं लेने वाला हूँ सारी के सारी रेड सैंड्स। ओके ओ भाई 24 दीस ने मेरे को सिर्फ, आए हाय। ओके मैन अब मेरे को वेट करना पड़ेगा इस बंदे को इसकी ट्रेड रिफ्रेश करने के लिए। ओके एंड आई डोंट नो कि करते भी है कि नहीं करते यार वॉन्डरिंग ट्रेडर्स गाइस अपने ट्रेड्स को रिफ्रेश। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे रात होगी फिर सुबह होगी तो हमें पता चल जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गाइस, इसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने लास्ट एपिसोड में सिल टच वाले पिकैक्स क्यों निकाली थी, जो कि मैंने बताया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी एंड मैंने इस वीडियो के सारे प्लान ड्रॉप कर दिए। तो ऐसा क्या हुआ तुम लोग भी देखो गाइस, एक बहुत बड़ी यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़। तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैंने जैसे भी नोटिस किया यहाँ पे मेरी बी देखो नीचे कहाँ चली गई है, ये मेरे मुंह के सामने उड़ते उड़ते ये इधर के लिए आई एंड अभी यहाँ से ऊपर आई नहीं पा रही है। भैया इसको तो बचाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मेरा जो आज का प्लान था ना गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो वाला जो मेरा प्लान है मेरे को अब कैंसिल करना पड़ेगा।
करने का, बिकॉज ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मुझे अपनी इस बी को बचाना ही बचाना है अभी यहाँ पर, ठीक है ना। जितना भी मेरा काम का सामान है सारा अंदर रख दो, ये पिकेक्स वगैरह हो गए सारी अंदर रख देते हैं। गाइस अभी कुछ भी करके इस बी को बचाना ही बचाना है, मेरी इकलौती भी है। आई हैव नो आईडिया कि इसके बाद क्या स्काई ब्लॉक मुझे बी स्पॉन करके देगा भी कि नहीं देगा। भैया एक बकेट लेके जाएंगे यहाँ से। आई डोंट नो गाइस, ऐसा ना हो जाए कि भाई जो हमारा जीरो लेवल है उससे नीचे चली जाइए, है ना, हमारे वर्ल्ड से बाहर, तो ये मर जाएगी हमारी बी। नहीं गाइस मैं वो नहीं चाहता हूँ। ओके एक सेकंड, ये क्या हो गया इसको? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाइड में जाकर अटक चुकी है। अबे यार कहीं ये मर तो नहीं गई गाइस? ओ माय गॉड, अब मेरा जो गाइस इस वीडियो का मिशन है ना वो यही है कि मेरे को इस बी को बचाना ही बचाना, नीचे वाइड से वापस लेकर आना ही आना है। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो पानी लेके मैं नीचे जा सकता हूँ एंड मैं वहां पर ये बहुत सारे कबलस्टोन लगाकर एक दीवार बना तो सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे सबसे मेन चीज की जरूरत पड़ने वाली है जो कि बहुत सारी लैडर्स। 63 लैडर्स बन चुकी है, आई थिंक इतनी काफी है। डोंट वरी माई बी, आई एम कमिंग, स्मार्टी भैया इज कमिंग। ओ ये परे के लिए चली गई, खिसक रही है भाई ये धीरे धीरे करके। मुझे नहीं आ रहा समझ भैया ये क्या करने की तो कोशिश कर रही है। अभी हम लोग कौन से लेवल पर है ये देखेंगे सबसे पहले। मैं अभी 67th लेवल पर हूँ ना, मुझे और लैडर्स की जरूरत है। बेचारी मेरी बी कितनी ज्यादा डर चुकी होगी गाइस, नीचे है कि नहीं है। बच गया, मरना था अभी मैं फिर से नहीं तो। ओह मुझे मेरी बी दिख रही है गाइस। हेलो छोटू, आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए, टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत लियो, ठीक है ना। आ रहा हूँ मैं, ये खुद से तो ऊपर आ नहीं पाएगी, मेरी गारंटी की बात है। इसीलिए मैं अपने साथ गाइस एक लीड लेकर आया हूँ। 17 ब्लॉक्स और लगाने बस मेरे को अभी। मैं एकदम एच पे आ चुका हूँ अब, शायद अभी भी 3-4 ब्लॉक्स बचे हुए है। ऑलराइट एंड अब मैं सबसे पहले ऊपर के लिए ये सारी की सारी स्टेयर्स लगाने वाला हूँ, ओके, ताकि मैं ऊपर जाकर यहाँ पर पानी हटा सकूँ एंड आसानी के साथ मैं नीचे यहाँ पे खड़ा हो सकूँ। ओके आई डोंट नो मैन, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ रही है गाइस, अभी चिंता हो रही है मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये भी मर सकती है यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा हो गया ना भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में आग लगा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुअल में वहाँ पे अटक चुकी है ना, ये वर्ल्ड में नीचे जाके मरेगी तो नहीं मेरे हिसाब से। अब अच्छो तू, बस मैं तेरे बहुत नजदीक हूँ, डरियो मत बस तू, ठीक है ना। स्मार्टी भैया इज कमिंग टू गेट यू। ओके ओ माय गॉड, अभी भी नीचे है यार, अभी भी ये नीचे है मुझसे बहुत। इट्स बिकॉज मैं 2 ब्लॉक्स ऊपर हूँ अभी भी, मुझे 2 ब्लॉक्स और नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। यू नो व्हाट गाइस, मैं जाने वाला हूँ ऐसे ही करके, बिकॉज सिर्फ 2 ब्लॉक्स की हाइट बची यहाँ पर नीचे, ओके, वर्ल्ड में गिरने के लिए। एंड मैं यहाँ से अगर नीचे जाने की कोशिश करूंगा ना तो मैं डेफिनेटली मरने वाला, मुझे पूरा ही कहना, इतनी एक्यूरेसी के साथ तो मैं नीचे जा ही नहीं सकता हूँ। मैं तेरे बहुत ज्यादा नजदीक तो हूँ बट स्टिल मैं तेरे बहुत ज्यादा दूर हूँ यार, अभी भी कैसे बचा सकता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पर मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ, यहाँ से नीचे मैं कैसे जा सकता हूँ? और गाइस तो मैंने अभी यहाँ पर एक काम किया हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर मैंने पानी फिर से नीचे गिरा दिया है एंड मेरा जितना भी सामान है सारा का सारा मैंने इस चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख दिया है, सिवाय 3 कबलस्टोन्स के। ओके बिकॉज अभी मैं एकदम रिस्क लेके जाने वाला हूँ 2 ब्लॉक्स नीचे इसको बढ़ाने के लिए। ओके विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 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 पहुंचने वाले है। ओके मेरी ना सांस चली जाएगी, बच गया, मरने वाला था भी सांस घुट के। बस केवल 2 ब्लॉक्स हमको नीचे लगाने के हैं। देखो पहला लग गया, दूजा नहीं लगा यार, बच गया, दूजा लग गया था ऑलमोस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे करके मैं बस 1 ब्लॉक और लगाने वाला हूँ वहां से नीचे एंड मेरा काम हो जाएगा फिर, राइट। चलो इंटरेस्ट में गाइस, इसके बाद मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी इसे 1 ब्लॉक को नीचे लगाने के लिए बट हर बार मैं वर्ल्ड में गिर के मरता गया। एंड बहुत ही जल्दी मैंने रियलाइज किया कि जो हमारी छुटकू बी है ये एक्चुअल में खिसकते खिसकते 5-7 ब्लॉक्स नीचे वर्ल्ड के जा चुकी है एंड अब मेरे लिए इम्पॉसिबल था इस बी को बचाना। तो मैंने इस बी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया एंड वो काम क्या था तुम लोग देखो। बट कैन आई डू आखिरी ट्राई गाइस, एक सनफ्लावर और एक ये व्हाइट वाला फ्लावर लेके जाएंगे। हो सकता है कि ये इनको देखकर लालच में आ जाए और यहाँ से ऊपर आ जाए, आई डोंट नो, मैं बस होप कर सकता हूँ कि ये हो जाए, अदरवाइज ये मर जाएगी। कम ऑन छोटू, मेरे हाथ में देख, डेजी फ्लावर है, देख यहाँ पे, एंड तेरा फेवरेट सनफ्लावर। छोटे तू तो और नीचे जा रहा है यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, धीरे धीरे करके और नीचे जा रहा है ना, पक्की बात है नीचे जा रहा है धीरे धीरे करके। आई थिंक गाइस अब मैं इसको नहीं बचा सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। सो गाइस अब मैं आखिरी बार यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ अपने इस बी को खाना खिलाने का। आई थिंक अगर मैं कर पाया तो छलांग मार के, लेट्स सी। ओ खिलाया मैंने इसको, देखो सनफ्लावर यहाँ से गायब हो चुका है। चलो भाई एक चीज तो अच्छी हुई है कि बिल्कुल मरने से पहले इस बी को मैंने एटलीस्ट खाना खिला दिया था। आई एम सॉरी बी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया यार, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सो गाइस इसी नोट के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ बट इस बी के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ ताकि ऑफकोर्स इसकी यादें हमेशा हमारे 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में रहे। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलता है आप लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेट्स शेयर सम, बाय बाय।